गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो काफी टाइम बाद हम ऐसे बैठ के वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिन उससे व्लॉग ही हो रहे थे। ठीक है, तो मैं सोचा क्यों ना आज एक डिफरेंट सी वीडियो शूट करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है व्हाट इन माई बैग। आपने इस बैग को मुझे ऑफिस से जाते हुए देखा होगा मेरे हर ब्लॉग में, तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे बैग के अंदर क्या होता है, मैं क्या क्या अपने साथ ऑफिस लेके जाती हूँ। तो बिगेस्ट सीक्रेट रिवील होने वाला है, तो आज आप स्नीक पीक करने वाले हैं मेरे बैग में व्हाट्स इनसाइड माय बैग। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज गिव इट अ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो से। तो पहले तो आई हैव दिस सिंपल सा क्लासिक बेसिक सा बैग। मैं इस बैग को बहुत जल्दी चेंज करने वाली हूँ, बट अभी तो यही है तो इसी से काम चला लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक लौता बैग ही वाला इतना बड़ा वाला, और ये है इसी साथ आपको यहाँ पे मिलेगा क्लैचर। हमेशा मेरे बैग में क्लैचर यहाँ पे लगा हुआ मिलता ही मिलता है, लेकिन मैं अपने बालों को खोले रखती हूँ तो जब बांधती हूँ फिर यहीं से निकाल के बांध लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मिलेंगी आपको पॉकेट्स, ये रही पॉकेट। इसके अंदर मैं कभी चिल्लड़ विल्लड़ पड़ी रहती है, अब तो खैर कुछ भी नहीं है। एक पॉकेट ये रही और एक पॉकेट है बिकॉज इट्स अ जीन्स बैग। एंड जब हम इसको अंदर से खोलते हैं, यहाँ से मेरा इसको अंदर से खोलेगी तो इसके अंदर बहुत सारा सामान निकलेगा। बैग भारी होता है तो एक एक करके निकालेंगे इसके अंदर से क्या निकलता है। तो सबसे पहले निकलता है मेरी डायरी जो कि यहाँ से फट रही है, इसका बहुत बुरा हाल हो चुका है, बट इसको अवॉइड कीजिएगा। इसके अंदर मैंने वीडियो के जो आइडियाज़ आते हैं वो लिखती रहती हूँ, और वैसे भी मेरे थोड़े बहुत पढ़ाई के नोट्स वगैरह भी रहते हैं, और मेरा पेपर में कुछ पढ़ रही थी तो मैंने लिख लिया, और ये कुछ काम के पेपर है। सो गाइज ये है मेरी डायरी, ठीक है, इसको अवॉइड करना। नेक्स्ट इसके अंदर से निकलती है कि बुक, ये बुक है आप देख सकते हो टैक्स की बुक है, डायरेक्ट टैक्स। तो मैं इसे पढ़ती रहती हूँ कि इसमें ना काफ़ी अच्छे अच्छे वो होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट हम सीए हैं, तो मैं इस बुक को वैसे भी पढ़ती हूँ कि मेरे कोर्स की बुक है, और मैं इससे पढ़ के ना कोई भी सेक्शन में अगर हम कोई अटकते हैं ना तो मैं इसी बुक को खोल के सेक्शन में निकल जाती हूँ, मतलब पढ़ लेती हूँ। और इसके अंदर आपको मिलेगा कुछ रखा हुआ होना चाहिए था इसके अंदर, इसके अंदर होगा मेरी सैलरी का चेक, क्योंकि मुझे भी सैलरी मिली थी ना, तो वो चेक ना दो दिन पहले मिला था, मैं दो दिन पहले ना इस बुक के अंदर रख के भूल गई। मैंने इनफैक्ट उस चेक को अभी तक बैंक में लगाया भी नहीं है। यार मैं आपको दिखा देती हूँ अपने चेक की शक्ल, अगर वो मुझे इसके अंदर दिख जाए। यार पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, यार पता नहीं कहाँ गया। चलो खैर देखते हैं बैग के अंदर कहीं मिलता है तो। नेक्स्ट मेरे शेड्स मिलेंगे, बिकॉज शेड्स तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बिना तो यार कुछ भी नहीं। तो भले ही मैं लगाती कम हूँ बट आपको मिलेंगे ज़रूर मेरे साथ में। तेनु काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। सो जोक सपाट, इनको हम लगा लेते हैं ऊपर। और ना मैं कोई ब्रांडेड गॉक्स वगैरह यूज़ नहीं करती, मैं तो नॉर्मल यूज़ करती हूँ, हम सीधे साधे बनते हैं, हम सीधे साधे यूज़ करते हैं। और आपको थोड़ा शोर आएगा बाहर से तो उसको तो आपको अवॉइड करने पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है मेरा घर रोड पे है तो शोर आता ही आता है। देन यू विल गेट अ वॉलेट, बेसिक से सिंपल सा वॉलेट है ये, ब्राउन कलर का वॉलेट है, थोड़ा ग्लिटरी वाले से बनना है यहाँ पे यूनिकॉर्न। एंड हम इसको ओपन करेंगे तो आपको इसके अंदर कैश नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कैश तो मेरे ज़्यादा पॉकेट्स में रहता है, या फिर यार अब तो सब बैंक में रहता है, एटीएम वगैरह है ही। और इसमें आपको मेरे सारे कार्ड मिलेंगे, मेरा एटीएम कार्ड, मेरा पैन कार्ड, मेरा वोटर आईडी कार्ड, मेरा आधार कार्ड, सम रैंडम विजिटिंग कार्ड्स, जहाँ जहाँ हम गए थे पार्लर वगैरह कहीं जाते हैं तो वहाँ से विजिटिंग कार्ड्स ले आते हैं, सम विजिटिंग कार्ड्स एंड सम कॉइन्स वगैरह, जैसे किसी को देने के काम आते हैं ना, तो सम कॉइन्स क्यूट सा ये सॉरी। देन आपको मिलेगा इसके अंदर से एक पाउच, इस पाउच के अंदर आपको मेरा मेकअप भी मिलेगा थोड़ा बहुत जो मैं रखती हूँ एक आध चीज़, और कुछ पैंट्स वगैरह भी। सबसे पहले तो मिलेगा आपको ये हेयर बैंड, और जो बेचारा मेरे बैग में पड़ा पड़ा गंदा भी हो चुका है, कैन सी पीला पीला, ये ना किस दिन सब्जी लगी गई थी, सब्जी का तेल निकल गया वो है। देन एक लिपस्टिक का खाली का पाउच है, लॉरियल की लिपस्टिक है, रूज वाली जो मैं लगाती हूँ, एंड लिपस्टिक वाला शेड ना मेरा फेवरेट शेड है, इसलिए मैं इसको बैग में रखती हूँ। कि आप जब घर पे रहते हो ना तो घर पे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन जब आप बाहर होते हो तो आपके पास अल्टीमेट ऑप्शंस होते हैं लिमिटेड, तो इसलिए मैंने इसको ना बैग में रख रखा है, जैसे मैं निकलते हुए टाइम टचअप कर लेती हूँ। आपने मेरे ब्लॉग्स में भी देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख लेना। एक धागा है, जब आप अगे महाकाल का धागा आया था मैंने बांधा था, बट ये मेरे हाथ से खुल गया, बार बार खुले जा रहा है, इसलिए मैंने इसको अपने पास ही रख लिया ताकि महाकाल बाबा हमेशा मेरी रक्षा करे। जय बाबा। एक क्लच देखो, एक क्लच वहाँ टंग रहा था और एक क्लच चेरा, मैं कितनी क्लच की शौकीन हूँ ना। एक ही मिलती है क्रीम छोटी सी, हमेशा मिलेगी क्योंकि हाथ ना जैसे वॉश करते थोड़े रफ रफ से हो जाते हैं विंटर्स में सबसे ज़्यादा, स्पेसिफिकली तो उस पर लगाने के लिए
एंड यू विल गेट पेन, क्योंकि मुझे पेन्स रखने का बहुत शौक है। तो देखो कितने सारे पेन्स हैं, इतने सारे पेन्स तो मेरे ऑफिस में पड़े हैं। पेन्स मिलेंगे, ये है रेड पेन, कुछ ऐसी रैंडम पेपर, मेरा कॉम्ब जो कि टूट के दो हिस्सों में तब्दील हो चुका है मेरा, ठीक है। एक ही मिलेगा स्टिकॉन्स, मतलब जैसे कुछ रैंडम नोट करना होता है, कुछ भी कहीं टैग लगाना होता है उसके लिए। ये है हमारी शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल, पापा का ये है पैन कार्ड, एंड हेज़ अ पापा की फ़ोटो। ये सब मैंने इसलिए रखा हुआ क्योंकि मैं अपनी शॉप का GST का रजिस्ट्रेशन कर रही थी, तो पापा का सब चीज़ काम आते, बिकॉज पापा इज़ द ओनर एंड पापा इज़ द प्रोप्राइटर। तो इसलिए ये बैग, इसके ना चेन ख़राब हो चुकी है जिप, तो मैं दूसरा लेके आऊँगी, दूसरा रखूँगी। मेकअप ठीक है, या फिर अपना लंच होता है जब ऑफिस लेके जाते हैं, बॉटल होती है वो लेके जाते हैं, वो आके निकाल देते हैं, या फिर एक स्कार्फ रखती हूँ मैं अपने फेस को कवर करने के लिए, ठीक है। अरे मेरे इसकी जिप टूट गई थी इसलिए साइड वाली, तो इसको हम फेंक देते हैं। हाँ लेकिन टॉफ़ी के छिलके, चिप्स के छिलके मेरे बैग में आपको हमेशा मिलेंगे, जैसे ये रहा, एंड माय बैग इज एम्प्टी नाउ, यू कैन सी, दिख रहा है ना, कुछ नहीं है। हाँ जस्ट यू कैन सी आर जिप हेयर, इस जिप में क्या मिलेगा, वेट आई विल शो यू। ओह खुल गया, चिम चिम, खुल नहीं रहा था, मैं खुल गया इसको। इसमें आपको मिलेगा अगेन ये, क्योंकि जब मैं नोट्स पढ़ती हूँ तो नोट्स बनाती हूँ ना, कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं तो मैं उनको नोट्स बना के वहीं चिपका लेती हूँ, तो यू विल गेट दीज हमेशा, ये तो मेरे पास मिलेगी मिलेगी बहुत सारी। एंड एक ये ब्रेसलेट मैंने ना बीच में, एक आपने देखा होगा ब्रेसलेट पहन रखा था, इसमें हार्ट लटक रहा था आधा दिल, तो मेरा टूट गया था, उसको मैंने इसी में डाल लिया। इट इज नाउ, दैट इज इट गाइस, देखो पूरा बैग मेरा हो चुका है एम्प्टी, बस यही स्टफ है जो मेरे बैग में मिलेगा, इससे ज़्यादा मेरे बैग में आपको कुछ नहीं मिलेगा, थैली भर नहीं मिलेगी, यही मिलती है, इससे ज़्यादा सीरियसली कुछ नहीं मिलता। चलो अभी सबको अपने बैग में भर लेते हैं, क्योंकि निकालना आसान होता है लेकिन जो फैलने के बाद मैस हो जाती है उसको भी तो भरना पड़ता है ना। यार मैं अपना चेक तो ढूंढ लूँ गाइस, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ मेरी सैलरी का चेक। आई विल श्योरली फाइंड इट इन दिस वन, मैंने रखा था इसी में, मैंने ऑफिस से निकलने से पहले चेक भी किया था, मुझे पापा को देना है वो चेक, बट आई डोंट नो व्हाई आई कैन नॉट फाइंड इट एनीवेयर। अगर खो गया ना भाई साहब, मेरे सर मुझे दूसरा चेक देने की भी नहीं है, मेरी सैलरी चली जाएगी एक महीने की। मानसी हाउ कैन यू बी सो केयरलेस यार, वेट मैं पहले ढूंढ के आती हूँ, रुको आई फाउंड इट, ये ना मेरा सैलरी का चेक, मतलब उल्टा ही दिखा देती हूँ, सीधा नहीं दिखाती, चलो दिखाई देती हूँ। ये है मेरे नाम का चेक, मानसी गोयल, होप यू कैन सी माई नेम, ये लिखा मेरा नेम मानसी गोयल। अच्छा लगता है ना जब अपनी सैलरी का चेक अपने हाथों में आता है, पूरी दिन महीने भर की मेहनत की कमाई, सो इसको रख लेते हैं, कल को उसको बैग में लगवा दूंगी भैया के हाथ। सो गाइज होपफुली आपको मेरे बैग में स्नीक पिक करके, मेरे बैग में घुस के अच्छा लगा होगा पता करके कि मैं बैग में क्या क्या रखती हूँ, और एक दो नेसेसरी की चीज़ें होती हैं जो कभी कभार मैं डाल लेती हूँ अपने बैग में, अदरवाइज इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं। अगर अच्छी लगी ना ये वीडियो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिग थम्स अप देके जाना, और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Love you.